मैं गुंजन शर्मा और आप देख रहे हैं यूवी इंडिया न्यूज। नवरात्रि के पावन पर्व पर माँ भगवती की पूजा कैसे की जाए, किस तरह उनको प्रसन्न किया जाए। माँ भगवती को प्रसन्न होने से सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। तो आइए जानते हैं दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे करें। पंडित त्रियोगी नारायण मिश्रा जी के साथ, जो हमारे साथ विद्यावासिनी धाम मिर्जापुर से जुड़े हुए हैं, तो आइए नजर डालते हैं। जय माँ विंध्यवासिनी। आज नवरात्र के दूसरे दिन भक्त माता विंध्यवासिनी के दरबार में माता के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी के रूप के दर्शन पूजन कर रहे हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से भक्तों को त्याग, सदाचार और संयम की प्राप्ति होती है। देवी ब्रह्मचारिणी भक्तों को सफलता दिलाने वाली शक्ति है। यह माँ भक्तों के जीवन में आने वाली सारी रुकावटों को दूर कर देती है। देवी ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। माता ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है, क्योंकि इन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। इसीलिए तपस्या करने के कारण ही इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा और ये तपस्या की मूर्तिमान रूप हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में भक्तों को चाहिए कि लाल रंग के वस्त्र को धारण करके पूजा करना चाहिए और लाल रंग की चुनरी माँ को अर्पित करना चाहिए। भगवती थी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि लाल रंग पराक्रम और प्रेम और साहस का प्रतीक होता है। इसलिए भगवती को लाल रंग की चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए ब्रह्मचारिणी को। माता के प्रिय पुष्प का जहाँ तक सवाल है, तो आज माता के प्रिय पुष्प कमल को अर्पित करना चाहिए, भगवती थी प्रसन्न होगी। माता के प्रिय भोग शक्कर अर्पित करने से भगवती अति प्रसन्न होती है। माँ के जो है मंत्र का जहाँ तक सवाल है, तो आज भक्तों के माता के प्रार्थना मंत्र दधाना कर पद्माभ्याम अच्छमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारण्यनुत्तमा या देवी सर्वभूतेषु मा ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र के साथ प्रार्थना करना चाहिए। भगवती की कृपा शक्ति उनके ऊपर सदैव बनी रहती है और माँ की कृपा से उनके जीवन में सदैव विपुल संपदा ईश्वर की वृद्धि होती है। तो ये थी नवरात्र के दूसरे दिन की जानकारी। कल हम फिर मिलेंगे तीसरे दिन की जानकारी को लेकर के। तब तक